आज के समय में देखा जाए तो बाल झड़ने की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये समस्या हर इंसान में देखी जा रही है, चाहे वो कितनी भी उम्र का क्यों ना हो। वहीं आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इन झड़ते बालों का रीजन क्या है। जी हाँ, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इसका एक बड़ा कारण जिसकी वजह से आप गंजे होते जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेयर लॉस या फिर हेयर फॉल, बालों के गिरने की समस्या ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है, और ऐसे में लोग इसे गंभीरता से तो नहीं लेते हैं, लेकिन ये समस्या आगे चलकर इतनी बढ़ जाती है जिससे कि हम टेंशन में आ जाते हैं कि आखिरकार हमारे ये बाल क्यों झड़ रहे हैं। लेकिन हाल ही में एक सर्वे के मुताबिक सामने आया है कि आखिरकार लोगों में ये बाल झड़ने की समस्या क्यों बढ़ती जा रही है। बता दें आपको इस सर्वे के अनुसार कि एक व्यक्ति के हर दिन लगभग 50 से 100 बाल गिरते हैं, जिस पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। बालों के गिरने के पीछे आपका लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और कई सारी वजह हो सकती हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। लेकिन इस स्टडी के अनुसार हम आपको बता दें कि इसका एक बड़ा रहस्य भी सामने आया है। बता दें आपको कि हाल ही में एक रिपोर्ट से सामने आया है जिसमें कि 20 से 30 उम्र के पुरुषों में देखा गया कि जो एक हफ्ते में 52 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं उनमें हेयर लॉस अधिक होता है और ज़्यादा तेजी से होता है उन लोगों की तुलना में। कुछ लोग जो ऑफिस में ओवर टाइम करते हैं, यानी कि ज़्यादा काम करते हैं, तो वो हफ्ते में 5 दिन वर्क करते हैं, और आप हफ्ते में यानी कि हर दिन 10 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, तो ऐसे में बाल दूसरों की तुलना में ज़्यादा गिरेंगे। बता दें आपको इस स्टडी के अनुसार कि इसके नुकसान क्या हैं। जी हाँ, इस स्टडी के अनुसार बताया गया है कि बहुत ज़्यादा काम और शरीर को आराम ना मिलने की वजह से भी हेयर फॉलिक्स को नुकसान होता है, जिससे कि बाल कैटेजन फेस में पहुँच जाता है और जहाँ बालों का एक्टिव ग्रोथ होना बंद हो जाता है। ऐसे में इस रिसर्च के जरिए ये खुलासा हुआ है, यदि आप ज़्यादा काम कर रहे हैं तो ये आपके बालों को नुकसान पहुंचा रहा है। बता दें आपको कि 13,391 एम्प्लॉयज़ पुरुषों को शामिल किया गया था इस सर्वे में, और जहां से सामने आया कि जो लोग हफ्ते में 40 घंटे काम करने को नॉर्मल की कैटेगरी में रखा गया था, और वहीं हफ्ते में 52 घंटे काम करने वाले लोगों को आवर्स की कैटेगरी में रखा गया था, तो जिन्होंने लंबे घंटों तक काम किया उनमें गंजापन होने के बीच सीधा कनेक्शन सामने आ गया। तो दर्शकों, अब आप भी जान गए होंगे कि ज़्यादा काम करना आपके बालों के लिए बेहद ही नुकसानदायक है। तो यदि आप भी ज़्यादा काम करते हैं तो आप अपने काम करने की लिमिट बना लीजिए और स्वस्थ रहिए। फिलहाल हम चलते हैं, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए क्यूरिन हेल्थ टेक से प्रांशी की रिपोर्ट।